सेल वॉल हमने कंप्लीट कर लिया, सेल वॉल के साथ हमने सेल वॉल के फंक्शंस किए कि वो किस तरह से सेल को प्रोटेक्ट करती है, प्लांट सेल को, फ्रॉम द लाइसिस यानी सेल के ब्रेकडाउन से, या कोई भी सेल के शेप को चेंज होने से, या उसके जो भी उसका शेप है उसको रिटेन करती है. और वो कैसे करती है, क्योंकि वो हार्ड और ड्राई होती है. फिर हमने तीन तरह के सोल्यूशन पढ़े थे, और वो बेसिकली सोल्यूशन जो थे वो इन कंपेरिजन विद द इनर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सेल थे. यानी वो जो भी सोल्यूशन थे वो दरअसल हमने कंपेयर किए थी उसकी कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन विद द कॉन्सेंट्रेशन इन साइड द सेल, सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है. और हमें पता चला था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन सेल की कॉन्सेंट्रेशन के बिल्कुल सेम होगी, यानी सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन, जो भी कंटेंट है सेल के अंदर जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन और आउटसाइड सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, तो ऐसे सोल्यूशन को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं. बाकी दो और किए थे हमने, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक. हाइपोटोनिक में वाटर पोटेंशियल, बाहर के सोल्यूशन की वाटर पोटेंशियल ज्यादा होती है. वाटर पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब है कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द इनर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सेल. और हाइपरटोनिक में क्या था, उसमें सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द वाटर पोटेंशियल इन साइड द सेल. इन तीनों कंडीशन को आप एक डायग्राम के थ्रू याद कर लेना. और वो डायग्राम क्या होगी कि आपने तीन बीकर बना लें अपने पास कहीं भी, आप ऑटोमेटिकली जैसे ही ये तीन बीकर बनाएंगे आपको फौरन सब कुछ याद आ जाएगा. आपको वो सारी बातें याद आ जाएंगी जो हमने लेक्चर में डिस्कस की, प्लस आपको इनकी डेफिनेशन याद आ जाएंगी. आपने अगर कंपेयर करना है सोल्यूशन को, तो आपने यहाँ पे एक एनिमल एक प्लांट सेल डाला हुआ है, इसमें भी एनिमल एंड प्लांट सेल डाला हुआ है, इसमें भी एनिमल और प्लांट सेल डाला हुआ है, ठीक है. और सोल्यूशन आप सोच लें सेम, हाई वाटर पोटेंशियल और यहाँ पे लो वाटर पोटेंशियल. जहां पे सेम होगा उसको आप क्या कह देंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन. जहां पर वाटर पोटेंशियल बाहर की हाई है और सेल के अंदर की कम है, ऐसा सोल्यूशन कहलाएगा हाइपोटोनिक. हम इस सोल्यूशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, हम इस सोल्यूशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि ये सोल्यूशन को जो हमने नाम दिए हैं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, वो किससे कंपेयर करके दिए हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इनसाइड द सेल की कॉन्सेंट्रेशन से. और अगर ऐसा कोई सोल्यूशन हुआ जिसकी लो वाटर पोटेंशियल है, लो वाटर पोटेंशियल यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कह देंगे, हाइपर टॉनिक, ठीक है. ये बातें तो कल हमने अपने लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी. आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए लेक्चर्स जो होते हैं वो यूट्यूब पे होते हैं, आप लोग जाके वहां पर देख लिया करें. मेरिटोरियस ग्रुप का एक चैनल है और वो आप सब्सक्राइब कर लें, और वहां पे आपको लेक्चर्स आराम से मिलेंगे. तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं दोबारा दोबारा, आपको कोई चीज मिस हो रही है आप वो भी देख सकते हैं, या जैसे लाइफ वगैरह की प्रॉब्लम है तो भी देख सकते हैं आराम से, ठीक है. तो कल के लेक्चर में हमने ये बात की थी, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर बाहर हाई वाटर पोटेंशियल है तो वाटर जो है वो आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेगा, सेल बर्स्ट हो जाएगा, लेकिन प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल जो उसको एक रिटेंशन दे रही है, जिसकी वजह से उसका शेप मेंटेन हो रहा है. सिमिलरली हाइपरटोनिक में, क्योंकि बाहर जो है वो वाटर पोटेंशियल कम है सेल से कंपेयर कर रहे हैं, यानी सेल में ज्यादा है, और मूवमेंट होगी फ्रॉम हायर यानी सेल से सारा वाटर बाहर निकल जाएगा. जब दोनों सेल से वाटर बाहर निकल जाएगा तो सेल के साइज छोटे हो जाएंगे, वो श्रिंक हो जाएंगे. जब वो श्रिंक हो जाएंगे तब भी एनिमल सेल तो श्रिंक होकर छोटा सा हो जाएगा, लेकिन प्लांट सेल में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल वो उसका स्ट्रक्चर रिटेन करेगा, उसका शेप मेंटेन करेगा, और शेप में कोई चेंज नहीं आएगा. तो ये सारी बातें जो थी वो सेल वॉल से कनेक्टेड थी जो हमने कल डिस्कस की थी. फिर हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा न्यू टॉपिक जो सेल का दूसरा पार्ट था, यानी सेल के अंदर जब प्रोटोप्लाज्म में हमने देखा तो एक सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर नजर आया, और फिर हमने उसको स्टडी में
डिस्कस किया स्टडी में जो है उसे पढ़ने जा रहे हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। कल हमने न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस की थी। जैसे हमने सबसे पहले बताया था कि न्यूक्लियस को सबसे पहले जिसने डिस्कवर्ड किया या स्टडी किया या बताया हमें कि सेल में इन द सेंटर ऑफ अ सेल देयर इज अ स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट, वो साहब थे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम बताया अबाउट द न्यूक्लियस दैट इट्स अ स्फेरिकल शेप बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म ने उसे सराउंड किया हुआ है, सेल में साइटोप्लाज्म ने सराउंड किया हुआ है, और सेंटर में जो बॉडी है वो कहला रही है न्यूक्लियस। ये पूरा जो है वो साइटोप्लाज्म है। और हम ये बात फर्स्ट लेक्चर से ही, जब से हम सेल पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि बेसिकली जो कुछ सेल मेम्ब्रेन के अंदर है वो प्रोटोप्लाज्म है, और उस प्रोटोप्लाज्म के जो दो पार्ट्स हैं वो हैं साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सही है। अच्छा, रॉबर्ट ब्राउन ने इसे डिस्कवर किया था, इसका शेप बताया गया था कि शेप कैसा होता है इसका, स्फेरिकल शेप। ठीक है, स्फेरिकल का मतलब होता है गोल, राउंड। लेकिन स्फेरिकल में राउंड समटाइम एलोंगेटेड राउंड होते हैं जिन्हें ओवल कहते हैं, या सर्कल होते हैं। तो ये दरअसल स्फेरिकल इरेग्युलर है। इरेग्युलर का मतलब ये है कि ये अपना शेप चेंज करता रहता है, यानी फिक्स ऐसा नहीं होगा कि ये बिल्कुल राउंड सर्कुलर हो, ये समटाइम थोड़ा सा एलोंगेटेड ओवल शेप भी हो जाएगा। तो स्फेरिकल तो है ये, राउंडेड तो है, बट इसका इरेग्युलर शेप है जो ग्रेजुअली कभी कुछ और कभी कुछ हो रहा होता है, फिक्स्ड नहीं है। देन हमने इसकी लोकेशन पढ़ी थी, और लोकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी लोकेशन, न्यूक्लियस की लोकेशन बेसिकली प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट होती है। लोकेशन न्यूक्लियस की प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट होती है, और वो क्या डिफरेंट होती है यही हम देखने जा रहे हैं, और यही डिफरेंस एक्चुअली उसको प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफरेंशिएट करता है। यानी ये छोटे छोटे ऐसे डिफरेंसेस हैं, कुछ डिफरेंसेस जरा बड़े किस्म के हैं कि कोई चीज प्लांट सेल में है जो एनिमल में नहीं है, कोई ऑर्गेनेल एनिमल में है प्लांट में नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस है दोनों में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल में भी है एंड एनिमल सेल में भी है। बट इट्स लोकेशन इज डिफरेंट, और लोकेशन ये है कि एनिमल सेल में सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस है, सेंटर में मौजूद है, जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो एक कॉर्नर में मौजूद है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एक थोड़े से कॉर्नर में हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज वैक्यूल। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल में एक बहुत ही बड़ा सा वैक्यूल होता है जो न्यूक्लियस को धक्का देके एक साइड में या कोने में कर देता है। इस बड़े वैक्यूल की वजह से प्लांट सेल में न्यूक्लियस एक कॉर्नर में हो जाता है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है, जिसकी वजह से हम उसको सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, यहां तक कल हमने बातें की थी। ओके, नेक्स्ट थिंग, लोकेशन की बात हो गई, और इस लोकेशन की वजह से ही प्लांट और एनिमल सेल का न्यूक्लियस जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे है, या जो भी प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस है उसमें से एक डिफरेंस उसके न्यूक्लियस की लोकेशन भी है। चले अब हम उसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं। जब हमने एक कोई भी न्यूक्लियस ले लें, प्लांट सेल का या एनिमल सेल का, हमने न्यूक्लियस को फर्दर मैग्निफाइड पिक्चर में देखा, हमने उसको और ज्यादा बड़ा करके देखा, उसके इमेज को मैग्निफाइड किया, जो भी उसका साइज था उससे उसको डबल साइज का करके देखा, ताकि हमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंटली नजर आए। तो फर्स्ट थिंग जो हमें दिखी वो थी मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली जो बाउंड्री है पहले हमने उसको स्टडी किया, मेम्ब्रेन जब हमें न्यूक्लियस की दिखी तो वो मेम्ब्रेन जो थी वो डबल लेयर थी। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है और ये उसकी मेम्ब्रेन है, द मेम्ब्रेन इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन,
ये डबल लेयर थी, ठीक है, इस तरह से डबल लेयर थी, बट इस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन में जो है वो बीच में आपको रास्ते दिखेंगे. ये देखें, आपको इस तरह से पोर्स दिखेंगे. दीज पोर्स आर बेसिकली, यहाँ पे पोर्स हैं जो जैसे कहेंगे कि सुराख हैं या होल्स हैं, जो बेसिकली हेल्प करते हैं सेल के साइटोप्लाज्म के मटेरियल को इन यहाँ से इन पोर्स के थ्रू कुछ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर एंटर होता है और न्यूक्लियस का कुछ मटेरियल जो है इन पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में जाता है. ठीक है, इस डबल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इस डबल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये न्यूक्लियस को सराउंड की हुई है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, देयरफॉर इट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और ये जो पोर होते हैं, इन पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियो पोर्स. ठीक है, मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और द पोर्स आर नोन एज न्यूक्लियो पोर्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड द मेन पर्पस ऑफ न्यूक्लियो पोर इज फॉर द इट अलाउ द मटीरियल जो भी सेल न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में चला जाए और जो साइटोप्लाज्म में है वो साइटोप्लाज्म से इन्हीं पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस में आ जाए. तो दिस इज अबाउट अ न्यूक्लियस. पहली दो चीजें जो हमने डिस्कस की हैं वो क्या है, न्यूक्लियो पोर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, यहां पे देखिए इस स्क्रीन पे आपको पहले तो क्लियरली हमने जो फर्स्ट बात की थी अबाउट द न्यूक्लियस के, इसमें एनिमल सेल का न्यूक्लियस जो है वो एक प्लांट सेल का न्यूक्लियस जो है वो कॉर्नर में है क्योंकि वैक्यूल जो है वो बड़ा है जिसने इसको पुश कर दिया है इन एट वन कॉर्नर, जबकि एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रलाइज्ड है और सेंटर में मौजूद है. एंड द रीजन इज सेम कि वो किस वजह से सेंटर में मौजूद है, बिकॉज उसमें वैक्यूल इतना बड़ा मौजूद नहीं है. शेप की जो बातें की हमने कि प्रोमिनेंट स्फेरिकल शेप होता है बट इरेगुलर. एंड लोकेशन प्लांट और एनिमल सेल की डिस्कवर किया था इसको रॉबर्ट ब्राउन ने. एंड दिस न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज कैरियोन्स. देखो ये याद रखना, ये वर्ड कैरियोन का, ये वर्ड जो है वो आपको बार बार आगे भी आएगा, फ्यूचर में भी हम ये वर्ड यूज करेंगे कैरियोन्स. अगर डिविजन ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो हम उसे कैरियोकाइनेसिस कहेंगे. ये सब आगे आएंगी, लेकिन जहां जहां जब भी आपको वर्ड कैरियो नजर आएगा आप समझ जाइएगा कि ये किस चीज की बात हो रही है, ये न्यूक्लियस की बात हो रही है, क्योंकि हम न्यूक्लियस के लिए जो वर्ड डिनोट करते हैं वो वर्ड है कैरियो. ठीक है, तो कैरियोन या कैरियो वर्ड हम न्यूक्लियस के लिए यूज करते हैं. नाउ सी इन दिस पिक्चर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन. ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है विथ पोर्स ऑन इट. ये आपको पोर्स भी क्लियरली नजर आ रहे होंगे, ये रहे पोर्स, रास्ते, जैसे एक खुला हुआ रास्ता है. एंड दीज न्यूक्लियो पोर्स आर फॉर द मटीरियल टू गेट इन. साइटोप्लाज्म का मटेरियल अंदर जाना हो न्यूक्लियस के या न्यूक्लियस का मटेरियल बाहर आना हो वो इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है. तो ये पोर्स जो है वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. अब मेम्ब्रेन में जो है वो क्या होता है कि आपने डबल मेम्ब्रेन देख ली, आपने इसकी डेफिनेशन देखी होगी. परफोरेटेड वर्ड यहाँ पे यूज हुआ हुआ है. द मीनिंग ऑफ परफोरेटेड इज पोर्स. जिस चीज में, जिस सरफेस में पोर्स होते हैं उस सरफेस को हम परफोरेटेड कहते हैं. ओके, ठीक है, नाउ कम बैक, फिर हम इसको दोबारा से देखेंगे. पहले थोड़ी सी चीजें और डिस्कस करते हैं, फिर इसके बारे में हम और पढ़ेंगे. नेक्स्ट पार्ट जो हम करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियो पोर तो हमें समझ आ गया है. अब न्यूक्लियस अंदर से भी फिल्ड है, सही है. जैसे हमने अभी कहा था कि सेल में
सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है, और उसी प्रोटोप्लाज्म में जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है. बिल्कुल, न्यूक्लियस में भी ऐसे ही है कि न्यूक्लियस भी फिल्ड होता है अंदर के मटेरियल से. ये आ गई इसकी डबल मेम्ब्रेन. ठीक है, यहाँ पे परफोरेटेड है, मींस पोर्स प्रेजेंट है. ये हो गए न्यूक्लियोपोर्स. ठीक है, अंदर जो है वो जेली लाइक मटेरियल है, बट थोड़ा सा कंडेंस, थोड़ा थिक जेली लाइक मटेरियल है. जैसे साइटोप्लाज्म भी जेली लाइक मटेरियल है, ऐसे यहाँ पे भी जो न्यूक्लियस के अंदर एक ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म. This is known as nucleoplasm. जो इसके अंदर मौजूद है वो कहलाता है nucleoplasm. This is nucleopores. और ये है आपकी nuclear membrane. अच्छा, अब ये जो nucleoplasm इसके अंदर का material है, this nucleoplasm basically made up of proteins. ये बना हुआ होता है प्रोटीन से, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का बना हुआ होता है. और इसको हम एक और नाम देते हैं, ये प्रोटीन से बना हुआ होता है और उसको हम कहते हैं कैरियोलिम्फ. कैरियोलिम्फ, ठीक है, इसको कैरियोलिम्फ कहते हैं. जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है या जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट है उसको क्या कह रहे हैं हम, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं. जो प्रोटीन का बना हुआ है और इसी वजह से क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर का है इस वजह से उसे क्या कह रहे हैं हम, कैरियो. देखिए मैंने अभी कहा था ना वर्ड कैरियो याद रखना, जहां जहां वर्ड कैरियो या कैरियोन आएगा आप समझ जाइएगा किसके बारे में बात हो रही है, किसके मुतालिक बात हो रही है, ये न्यूक्लियस के बारे में. तो क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर के मटीरियल के बारे में बात की जा रही है कि वो हाई प्रोटीन है, रिच इन प्रोटीन है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड देयरफॉर इट इज नोन एज कैरियोलिम्फ. ओके, अच्छा, अब इस कैरियोलिम्फ के अंदर भी दो चीजें प्रेजेंट है, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में भी दो चीजें फर्दर हमें नजर आती हैं. पहले हमें एक डार्क सा स्पॉट नजर आता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है जो डार्क सा है, ग्रेन्यूलर है. यानी ग्रेन्यूलर का मतलब है कि हमें वो एक सॉलिड सा पार्ट नजर आ रहा है, एक हार्ड, एक थिक सा, डेंस सा सॉलिड मटीरियल अंदर नजर आ रहा है. और कुछ पूरे में हमने देखा कि स्प्रेड हुआ हुआ नेटवर्क है. नेटवर्क का मतलब है जाल बिछा हुआ है, ठीक है, ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. थ्रेड मतलब धागा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसने पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ, एक जाल बनाया हुआ. इन दो स्ट्रक्चर्स को हमने फाइनली नाम दिया है. ये जो डेंस सा एक हमें ग्रेन्यूल नजर आया उसको कहा है न्यूक्लियोलस. और ये जो पूरा नेटवर्क है थ्रेड्स का, इन थ्रेड्स के नेटवर्क को कहा गया है क्रोमेटिन नेटवर्क. क्रोमेटिन नेटवर्क, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बातें कर रहे हैं हम. ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज परफोरेटेड, मींस हैविंग पोर्स ऑन इट, एंड द पोर्स आर नोन एज न्यूक्लियोपोर्स. न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ द जेली लाइक फ्लूइड मेड अप ऑफ प्रोटीन known as nucleoplasm, also known as karyolim. Inside the nucleoplasm, further two organelles are present. One is nucleolus and the other is the thread-like structure present which make up the network throughout the karyolim. That network is known as chromatin network. न्यूक्लियस
is filled with a protein rich material called nucleoplasm or karyolymph. And another structure present inside the nucleoplasm is nucleolus. It is a spherical body present inside the nucleus. It is present inside the nucleus. Okay. Now, fact about the nucleolus is that this nucleolus, ये जो एक spherical body आपको नजर आ रही है, यहाँ पे नजर आ रही है nucleolus, ये nucleolus जो है, ये mostly cell के अंदर जो है, वो nucleus के अंदर present होता है, हर वक्त present होता है, but it disappear, ये गायब हो जाता है, छुप जाता है during the cell division, it disappear. ठीक है, सेल डिवीजन के वक्त वो डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है. जरा सा इस पे बात कर लेते हैं कि सेल डिवीजन क्या चीज है. बात तो हम पहले भी कर चुके हैं थोड़ी सी, और सेल डिवीजन हमें आगे फ्यूचर में डिटेल में पढ़ना है. बट राइट नाउ एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं. मैंने आपको बताया था थर्ड पोस्टुलेट ऑफ द सेल थ्योरी. व्हाट इज द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ अ सेल थ्योरी? थर्ड पोस्टुलेट कहता था कि द न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. ठीक है, अगर ये नॉर्मल सेल है, इसके अंदर आ गया न्यूक्लियस, ये डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होने के बाद दो न्यू सेल बन जाते हैं. द ओल्ड सेल इज नोन एज द पेरेंट सेल और द मदर सेल, एंड द न्यू सेल्स आर फॉर्म कॉल्ड द डॉटर सेल. ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू आर अग्री के वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग अबाउट द पेरेंट सेल एंड द डॉटर सेल्स इन द बिगनिंग? आप में से कौन कौन ये बात अग्री कर रहा है? हमने पहले बात पढ़ी है. ठीक है, तो ये एक बात हमने रिकॉल की, द प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी मदर सेल इज डिवाइडेड एंड टू न्यू सेल विल बी फॉर्म, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीजन. इसे सेल डिवीजन कहते हैं. अब वो कैसे हो रही है, क्या प्रोसेस है, वो सब आगे की कहानी है, बट हमें सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट है. तो जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये ऑटोमेटिकली कहीं गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है. ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियस में से द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर एंड इट विल कम बैक आफ्टर द सेल डिवीजन व्हेन द न्यू सेल्स आर फॉर्म. जब न्यू सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, न्यू सेल दोनों सेल में, दोनों डॉटर सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो हम देखते हैं कि उस न्यूक्लियस में दोबारा न्यूक्लियोलस वापस आ जाता है. Whereas that nucleolus disappears during the cell division. Cell division के वक्त वो जो गायब हुआ था, it will reappear after the cell division. ठीक है, daughter cell में वो दोबारा से नजर आने लगता है. Okay, यहां तक सबको बातें समझ आ रही हैं? आगे चलें? कुछ copy करना हो board पे से तो, या अगर किसी को उस शेयर्ड स्क्रीन पे से कुछ कॉपी करना है तो मुझे बताइए, मैं दोबारा उसको शेयर कर सकती हूँ. बर्दा लंच नहीं किया आज, गायब हो गई. ओके चले, ये देखिए दोबारा से आप लोग देख लीजिए, अगर कुछ कॉपी करना हो आप लोग कर सकते हैं. न्यूक्लियोलस, हो गया है सबका? फाइन. अच्छा भाई, सो ये बातें हो गई आपके न्यूक्लियोलस की. अब हम जा रहे हैं उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पे जिसे हमने नाम दिया था क्रोमेटिन नेटवर्क. नॉर्मली वही सेल डिवीजन की बात यहां पर भी है. सेल डिवीजन के वक्त जब सेल डिवीजन हो रही होती है, सेल डिवीजन का तो आपको आ गया ना दिमाग में कि भाई न्यू सेल डिवाइड, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल या ओल्ड सेल डिवाइड होता है इनटू न्यू सेल्स एंड टू डॉटर सेल और टू न्यू सेल्स विल बी फॉर्म. ये सेल डिवीजन है. तो सेल डिवीजन के वक्त ना सिर्फ सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है बल्कि उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा होता है, और न्यूक्लियस में जो चेंजेस आ रही होती है उसका जिक्र हम बार बार कह रहे हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है.
तो ड्यूरिंग सेल डिविजन एक बात तो हमने कर ली थी न्यूक्लियोलस की, कि ये डिसअपेयर हो जाता है बट विल बी अपेयर जब न्यू न्यूक्लियस बन जाते हैं और वो डॉटर सेल में होते हैं तो वो रीअपेयर हो जाता है. नाउ अबाउट द क्रोमेटिन नेटवर्क, जब नॉर्मल सेल होता है, सेल इन अ रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज मतलब जब सेल की जो नॉर्मल लाइफ है, एक तो फेज होती है जब सेल डिवाइड होता है और नए सेल बनाता है, और एक वो जब वो अपनी लाइफ में होता है, दैट इज नोन एज अ रेस्टिंग फेज. तो रेस्टिंग फेज में जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता और एज इट इज होता है, तो उसमें न्यूक्लियस का जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो इस तरह से सिंगल थ्रेड्स हैं जो थ्रू आउट द न्यूक्लियस जो है वो स्प्रेड हुए हुए होते हैं, पूरे थ्रू आउट द न्यूक्लियस मौजूद होते हैं और एक नेटवर्क बनाया हुआ होता है, मींस एक जाल की फॉर्म में होते हैं, नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं. बट ड्यूरिंग द सेल डिविजन, जब सेल डिविजन हो रही होती है तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो कंडेंस्ड हो जाता है. कंडेंस्ड का मतलब क्या है? कंडेंस्ड का मतलब होता है कि ये सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बहुत क्लोज आ जाते हैं, इतने क्लोज आ जाते हैं कि बिल्कुल एक के ऊपर एक करीब आके चढ़ जाते हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाते हैं. एंड एट दैट टाइम इट अपीयर इन अनदर स्ट्रक्चर, एक नए से स्ट्रक्चर में अपीयर होता है वो, विच इज नोन एज लाइक दिस, इट अपीयर लाइक दिस, ऐसा दिख रहा होता है वो हमें वो स्ट्रक्चर, और उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स नॉर्मली हमारे, हम क्या बोल रहे होते हैं कि इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, बट बेसिकली द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमेटिन नेटवर्क थ्रू आउट द सेल लाइफ, थ्रू आउट द रेस्टिंग फेज. जब तक सेल डिवाइड नहीं हो रहा, जब तक न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा, वो क्रोमोसोम क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में है, यानी वो सिंगल थ्रेड जो है वो पूरे न्यूक्लियस में फैले हुए हैं, पूरे न्यूक्लियस में एक नेटवर्क की फॉर्म में जाल में है. बट ड्यूरिंग द सेल डिविजन दे कम वेरी क्लोज टूगेदर, दे बिकम कंडेंस्ड. कंडेंस्ड मीन्स दे बिकम थिक, जैसे मोटे हो जाते हैं, इतने करीब आ जाते हैं कि वो मोटे मोटे हो जाते हैं, शॉर्ट एंड थिक हो जाते हैं. ठीक है, छोटे और मोटे हो जाते हैं, शॉर्ट एंड थिक हो जाते हैं, एंड ड्यूरिंग द सेल डिविजन दे आर नोन एज क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स लुक लाइक दिस, क्रोमोसोम जो है वो इस तरह के दिखते हैं. ठीक है, क्रोमोसोम्स हम इस तरह के दिखते हैं, वो एक्चुअली क्या है, ये सारे थ्रेड्स हैं जो इतने करीब आ गए एंड इट अपीयर लाइक दिस. वो थ्रेड जो है वो दरअसल इसमें यू मौजूद हैं, यहाँ क्रोमोसोम में जो है वो बहुत सारे थ्रेड्स हैं जो करीब करीब मौजूद हैं. एक्चुअली वो जो नेटवर्क है वो कंडेंस्ड हुआ हुआ है, एंड दैट कंडेंस्ड फॉर्म इज नोन एज क्रोमोसोम्स. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कोई चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल स्वेटर, सर्दियों में हम जो स्वेटर्स पहनते हैं, स्वेटर्स में अगर एक उसका जो वुल होता है वो निकल रहा हो और आप उसको पकड़ के खींचे तो वो पूरा यूं खुलता चला जाता है, पूरा वुल जो है वो इस तरह से खुलता चला जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके जो स्वेटर्स वगैरह होते हैं, देखे होंगे आपने, उसमें से एक भी अगर वुल निकल रहा हो, एक छोटा सा भी बोलो, आप उसको खींचे तो इस तरह से वो वुल जो है वो खुलता चला जाएगा. बिल्कुल ये क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस्ड हुआ हुआ है, इसको जब आप निकालते हैं तो वो आपको इस तरह से निकलता है, पूरा अलग अलग थ्रेड्स निकल आते हैं और वो इतने करीब होते हैं, इतने क्लोज होते हैं, दैट दे आर सुपर कॉइल्ड. ठीक है, क्रोमोसोम्स आर बेसिकली, ये क्रोमोसोम्स ही हैं, ये सब जो है ये क्रोमोसोम है. पहले ये नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं, फैले हुए होते हैं, नोन एज क्रोमेटिन नेटवर्क, और फिर जब ये कंडेंस्ड हो जाते हैं वो करीब आ जाते हैं क्रोमोसोम, लेकिन ये सारे थ्रेड्स आपस में करीब 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 सुपर कॉइल्ड हुए होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल कॉइल्ड हुए हुए होते हैं, करीब करीब मौजूद होते हैं. अच्छा, अब ये जो सुपर कॉइल्ड को हमने ओपन किया क्रोमोसोम को, तो फर्दर हमें पता चला दैट द क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स. क्रोमोसोम भी दो चीजों से मिलके बना है. ठीक है, वो जो क्रोमोसोम का हमें थ्रेड निकला है उसको हमने जब गौर से देखा तो वी कम टू नो के इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स.
एक होता है हिस्टोन प्रोटीन्स और दूसरा जो ये थ्रेड है जो इस प्रोटीन बीड्स है जिसके ऊपर थ्रेड पूरा जो है वो लिपटा हुआ है. ठीक है, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज डीएनए. डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज डीएनए. डीएनए इज द एब्रीविएशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन जो है वो बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स हैं. प्रोटीन्स से तो आप बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को इंट्रोडक्शन हो चुका होगा. तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, द क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स. क्रोमोसोम्स जो है वो दो चीजों से मिलके बना है. नंबर वन इज प्रोटीन्स नोन एज हिस्टोन प्रोटीन एंड नंबर टू डीएनए. यानी जो आपको बीड्स हैं वो बीड्स के ऊपर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से उसको कॉइल्ड हुआ हुआ है एंड दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए. लेकिन यहाँ पे हम क्रोमोसोम की डिटेल फिलहाल इतनी ही पढ़ेंगे. इसकी डिटेल हम आगे जीन्स एंड इनहेरिटेंस के टॉपिक में जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे तब इसकी डिटेल्स को स्टडी करेंगे. लेकिन फिलहाल यू शुड नो कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो एट द रेस्टिंग फेज नेटवर्क की फॉर्म में होता है एंड एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन देन द न्यूक्लियस इज ऑल्सो डिवाइडिंग इट बिकम कंडेंस्ड एंड दिस कंडेंस्ड फॉर्म इज नोन एज क्रोमोसोम. द क्रोमोसोम इज फर्दर कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए. डीएनए का फुल नेम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड ये इसकी डिटेल व्हाट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हाउ इट बॉन्डेड विद द प्रोटीन ये सारी डिटेल्स जो है वो आगे के चैप्टर्स में है. बट राइट नाउ यू शुड नो दैट द क्रोमोसोम की केमिकल कॉम्पोजिशन ये होती है. अच्छा भाई, components of nucleus, inside the nucleus jo network hai it is basically the network chromatin network which is also known as chromosomes. The nucleoplasm has many thread like structures present called chromatin network which is during the cell division become thick and called chromosomes. Chromosomes are made up of deoxyribonucleic acid, it's a type of nucleic acid and protein histone. And a protein histone. Okay, one more fact about the chromosome. क्रोमोसोम से रिलेटेड एक फैक्ट और है और वो फैक्ट ये है कि क्रोमोसोम्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल है उसका न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है. ठीक है, क्रोमोसोम जो है उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम से क्या बात हम रिलेट करने जा रहे हैं
न्यूक्लियस के अंदर, हर स्पीशी के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद हैं और उनके जो नंबर्स हैं वो फिक्स्ड हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर स्पीशी. इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज का क्या मतलब है ये मैं बताने चाह रही हूँ. इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर स्पीशी. दोबारा से ये बात रिपीट कर रही हूं कि न्यूक्लियस के अंदर हर स्पीशी के, कोई स्पीशी ले लें फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, जो हम आप हैं, इंसान जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं. ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर सेल है. सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी है, और अगर उसके सेल है और उसके अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स भी होंगे. होंगे क्रोमोसोम्स भी होंगे, सही है. और अगर क्रोमोसोम्स होंगे तो अब क्रोमोसोम किसी क्वांटिटी में मौजूद है, तादाद में मौजूद है. क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी है और वो क्वांटिटी जो है वो कहलाती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो जो फैक्ट हम डिस्कस करने जा रहे थे रिलेटेड टू द क्रोमोसोम वो ये था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच स्पीशी शुड बी द सेम. यानी हर ह्यूमन बीइंग में, चाहे वो कोई इन्फेंट हो यानी छोटा सा बच्चा हो, चाहे कोई वो एडल्ट हो, चाहे कोई वो ओल्ड एज हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, सब हर ह्यूमन बीइंग में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फिक्स्ड, वो फिक्स्ड होते हैं और सबके सेम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल के आपके आप ह्यूमन बीइंग हैं, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, सारे ह्यूमन बीइंग्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो 46 हैं. ठीक है, उनकी क्वांटिटी क्या है, 46 है और ये फिक्स्ड है. फिक्स का मतलब है कि हर ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स्ड होते हैं और वो नंबर क्या है, 46. यानी हर ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. अच्छा, एक और सेकेंड फैक्ट ये है इन क्रोमोसोम्स का कि ये क्रोमोसोम जो है दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स. दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स, पेयर्स में मौजूद होते हैं. ये 46 जो है वो पेयर्स में होते हैं. पेयर्स का मतलब मालूम है आपको, दो दो की जोड़ी बनाए हुए होते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल ह्यूमन बीइंग्स में अगर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो पेयर की फॉर्म में कितने होते होंगे, वो पेयर की फॉर्म में 23 पेयर्स मौजूद होते हैं. 23 पेयर्स मौजूद होते हैं. फ्रॉग में कितने होते हैं, फ्रॉग मालूम है क्या है, फ्रॉग आगे आपको डिटेल में पढ़नी है फ्रॉग की डिटेल. फ्रॉग में जो होते हैं वो बताएं कितने होते हैं, फ्रॉग में 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. 26 का मतलब क्या हुआ कि कितने पेयर हुए, कौन बताने वाला है यहां से, 13 पेयर्स. हाँ मर्दा, 13 पेयर्स होते होंगे 26 के. आर यू गेटिंग दिस, महक आपको समझ आ रहा है. हाँ, तो 46 क्रोमोसोम को अगर हम पेयर में करेंगे तो कितने पेयर हो गए, 23 पेयर्स हो गए. फ्रॉग में 26 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और वो 26 क्रोमोसोम्स होते हैं, और जब उनको पेयर में कर दो तो कितने पेयर होते होंगे, 13 पेयर होते हैं. ठीक है, फिर चिंपैंजी, चिंपैंजी में 48 होते हैं. चिंपैंजी मालूम है कौन क्या होता है, मालूम है, ओके गुड. उसमें 48 होते हैं. और ये तो हम सेल मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं कि फ्रॉग में और ह्यूमन बीइंग्स में, जरूरी नहीं कि सिर्फ एनिमल्स में, प्लांट में भी तो सेल होता है.
प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में भी क्रोमोसोम होते हैं, वो क्रोमोसोमल नंबर भी जो है वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो हर स्पीशी के क्रोमोसोमल नंबर जो है वो फिक्स्ड होते हैं। ये बात सबको समझ आ रही है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फिक्स्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर वो एनिमल्स हैं तो उनके अलग फिक्स नंबर्स होंगे जो दूसरे से अलग होंगे, अगर वो प्लांट्स हैं तो उन प्लांट सेल के न्यूक्लियस में भी क्रोमोसोम होंगे और वो क्रोमोसोम भी फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। लेकिन क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, जो भी नंबर्स हैं वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, पेयर का मतलब है जोड़ी में होते हैं, दो दो साथ होते हैं, जो सिमिलर वाले होते हैं वो करीब में एक जोड़ी में होंगे एंड विच आर नोन एज द पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो वो 46 पूरे स्कैटर्ड नहीं होंगे बल्कि वो 46 क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर में होंगे और टोटल 23 पेयर्स बन जाएंगे। टोटल कितने पेयर्स बन जाएंगे? 23 पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके क्रोमोसोम की। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस खत्म होने जा रहा है, ये हमारा न्यूक्लियस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। न्यूक्लियस से रिलेटेड जल्दी से एक क्विक रिव्यू करते फिर अपने साइटोप्लाज्म के ऊपर आएंगे, जिसका नाम लेती जाऊंगी वो जल्दी जल्दी अपना माइक अनम्यूट करेगा और मेरा आंसर करेगा, ठीक है। तैयबा, तैयबा माइक अनम्यूट करें बेटा और जल्दी से सब कैमरे खोल लें, क्योंकि मैं इस वक्त आप लोगों को सिर्फ देखने आई हुई हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, बोर्ड से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आप लोगों को देख रही हूँ। कैमरे खोलिए, शाबाश। महक, हेमंत, हाँ तैयबा से क्वेश्चन था। तैयबा क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, about the nucleus, what is the shape of the nucleus? Maryam, Khatija, जल्दी से कैमरे ऑन करके सामने आइए। जयान, आपको तो मैंने शुरू के हफ्ते के बाद देखा ही नहीं है। मिस से आपने कल पढ़ाया था। तैयबा, ये मैंने आज भी रिपीट किया था बिगनिंग में, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था। महक बताएंगी, महक आप बताइए जल्दी से। स्फेरिकल इररेगुलर शेप होता है, वेरी गुड। महक, व्हाट इज द डिफरेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? मिस, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कॉर्नर पर होता है और एनिमल सेल में मिडल में होता है। ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूम थोड़ा बड़ा होता है और ठीक है, जो उसको एक कॉर्नर पे पुश कर देता है, वेरी गुड। ओके, वरुण इतने अवार्ड से सुन रहे हैं, दूसरा सवाल वरुण से। नेम द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेरी गुड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड अरहम, What are present on nuclear membrane? Nuclear membrane के ऊपर क्या चीज होती है? Okay, अमरता आप बता दें nuclear membrane के ऊपर क्या होता है? आई थिंक अमरता के माइक में प्रॉब्लम है। रवाहा, क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर? न्यूक्लियोपोर्स, वेरी गुड, न्यूक्लियोपोर। और न्यूक्लियोपोर का पर्पस क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, नहीं नहीं, न्यूक्लियोपोर का पर्पस, पर्पस का मतलब है कि वो क्या करता है, मतलब उस पोर का, उस होल का क्या पर्पस है, उसका क्या फायदा है? इट अलाउ द मटेरियल टू कम इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस मटेरियल टू लीव द न्यूक्लियस, ठीक है। ओके,
अरसलान हनीफ, अरसलान जी, अरसलान व्हाट इज फिल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, व्हिच मटेरियल इज फिल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, अरसलान क्या मैं ये समझूं कि कैमरा बंद करके आप यहाँ पे क्लास में नहीं है? मरियम व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस? मिस न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन नेटवर्क. वेरी गुड. एंड द मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट जिसमें वो न्यूक्लियस और क्रोमेटिन मटेरियल होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म which is rich in protein and that nucleoplasm is also known as, what is another name for that nucleoplasm? Karyolymph. Very good, karyolymph, very good, very good. Chale, this is all about the nucleus. Now the functions of the nucleus. Dekhe, hamesha yaad rakhiyega, hum jo jo cheez padhte jaate hain, we should know their purpose also. सेल का कोई भी ऑर्गेनेल पढ़ लें, सेल का कोई भी पार्ट पढ़ लें, कोई भी एनिमल का पार्ट पढ़ेंगे या ऑर्गेन्स पढ़ेंगे या प्लांट के ऑर्गेन्स और पार्ट पढ़ेंगे, हम हर चीज का पर्पस जरूर मालूम करेंगे, उसकी सिग्निफिकेंस, वो क्या काम करता है, व्हाट आर द फंक्शन. सो द नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के क्या फंक्शंस होते हैं, न्यूक्लियस का क्या पर्पस होता है, क्या फायदे होते हैं. नंबर वन, हमने जब से हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं या हम सेल की भी बात करते हैं तो बार बार एक चीज हम रिपीट कर रहे हैं, सेल डिवीजन. और जब हमने ये बात बोली है कि सेल डिवीजन में ना सिर्फ साइटोप्लाज्म बल्कि न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है दो नए सेल में, यानी जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो गया, सेल मेम्ब्रेन आ गई, दो नए न्यू सेल बन गए और उन दोनों न्यू सेल के अंदर न्यूक्लियस भी नए बन गए. तो जो ओल्ड सेल था यानी जो भी पेरेंट सेल था वो पेरेंट सेल डिवाइड होके न्यू डॉटर सेल बने. तो इस पेरेंट सेल में जितना भी न्यूक्लियस मटेरियल है वो भी दो में गया, जितना भी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो भी दो में गया, ऐसे ही हुआ ना. तो जब न्यूक्लियस मटेरियल डॉटर सेल्स में गया तो जितना भी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स थे वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए इन बोथ द डॉटर सेल्स, ठीक है. और उसके अंदर क्रोमोसोम का मतलब उसके अंदर जितने भी जितना भी डीएनए मटेरियल था वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन द डॉटर सेल्स. इट मींस दैट व्हाटएवर इज प्रेजेंट इन पेरेंट वुड बी ट्रांसफर टू देयर ऑफस्प्रिंग और वुड बी ट्रांसफर टू देयर चिल्ड्रन ड्यूरिंग द सेल डिविजन, ठीक है. वो जितना भी मटेरियल है आइदर इन द सेल और इन द न्यू जनरेशन, ये न्यू सेल जो है वो दूसरी जनरेशन में भी ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आइदर इन द न्यू जनरेशन न्यूक्लियस के साथ जैसे जब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और मटेरियल आगे ट्रांसफर हुआ तो उसके जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर्स थे या जो भी कैरेक्टर्स थे वो भी सारे ट्रांसफर हो गए, ठीक है. दिस इज नोन एज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन, फ्रॉम द पेरेंट टू द चिल्ड्रन. मतलब अभी आपको सिर्फ इतना दिमाग में बिठाना है कि द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज इट कंट्रोल द हेरिडिटी फंक्शन, इट कंट्रोल द हेरिडिटी. और हेरिडिटी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन. पेरेंट से इसको हेरिडिटी का दूसरा नाम इनहेरिटेंस भी होता है और इसके मीनिंग क्या होते हैं, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रांसफर ऑफ द वॉट एवर मटीरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन. उनके बच्चों में वो जितना भी उनकी हैबिट्स हैं, उनके कैरेक्टर्स हैं, वो ट्रांसफर होते हैं और वो किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं, बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन मींस द न्यूक्लियस डिवीजन, बिकॉज द न्यूक्लियस इज समथिंग विच कैरी द दैट हैबिट्स और द कैरेक्टर्स एंड दैट वुड बी ट्रांसफर टू देयर टू द
डॉटर सेल्स और टू द चिल्ड्रन. ठीक है, तो न्यूक्लियस को हम कहते हैं कि इट्स अ हेरिडिटी मटीरियल. इट्स अ हेरिडिटी मटीरियल, और हेरिडिटी मटीरियल इसीलिए कहा है बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द चिल्ड्रन. ठीक है, अभी ये बेशक आपको ये बात थोड़ी सी अधूरी लग रही होगी क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो इनहेरिटेंस के पढ़ने तक या वहां तक पहुंचने पे हमें पता चलेंगी. तो राइट नाउ यू शुड नो दैट द ओनली थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस और द हेरिडिटी कैरेक्टर्स मीन्स द कैरेक्टर विच शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन इज रिस्पॉन्सिबल बाय अ न्यूक्लियस. वो रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियस के, या न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है उन कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए. डज इट मेक सेंस? कोई सेंस बन रहा है इससे? या बस मिस ने कहा तो हमने सुन लिया, हमें नहीं पता सही बोल रही हैं या गलत बोल रही हैं. ठीक है भाई, तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से रिलेटेड ये सारी बातें हैं जो आज हमने कंप्लीट की हैं, और नेक्स्ट क्लास में अब हम साइटोप्लाज्म पे चले जाएंगे, यानी कि वो प्रोटोप्लाज्म का सेकेंड पार्ट, साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की केमिकल कॉम्पोजिशन और उसके अंदर मौजूद जो ऑर्गेनल्स हैं उनको फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे. न्यूक्लियस तक आप लोग रिकैप कर, मतलब पूरा आप रिवाइज करके आइएगा, कल एक रिकैप के बाद हम आगे साइटोप्लाज्म पे जाएंगे. और कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप लोग प्लीज पूछिए. एनी क्वेश्चन क्लास? नो? चलें ठीक है. ओके देन, सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज़.